हम लोग दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना, एक फ्लावरिंग प्लांट्स या बेडिंग प्लांट जिन्हें कहते हैं, जो भी मैंने आपको पहले कुछ देर पहले दिखा रहा था। दूसरा हम लोग कट फ्लावर्स पे काम कर रहे हैं। अब कट फ्लावर्स में डिफरेंट फ्लावर्स आ जाते हैं। पहले तो मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि कट फ्लावर कहते हैं उसको हैं जिनकी एक स्पेसिफिक स्टेम लेंथ होती है और वेज लाइफ होती है। तो उसमें डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिसमें मेनली हमारे पास जो मौजूद है उसमें लिलियम है, फ्रीजिया है, स्पेरेक्सिस है, डच आयरस है, ग्लैड है, क्राइसेंथीमम है, इस तरह डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो ये जो आपके सामने मौजूद है ये लिलियम है, ये मार्केट में काफ़ी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। हमने इस पर जो काम स्टार्ट किया है इसी सारी काम शुरू किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको हम मैस स्केल पर ला सकें। मैस स्केल पर लाने के लिए हम इसको दो से तीन तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इन्हें हम बल्ब से मल्टीप्लाई करें और इन्हें डिफरेंट लोकेशंस पे जो इनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट या टेम्परेचर है उन पे इन्हें मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वो इसके लिए बहुत सुटेबल है। हम वहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ये है कि हम इसको स्केल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टिश्यू कल्चर से। स्केल ये होता है कि इसका जस्ट लाइक ऑनियन स्केल्स होते हैं, अगर हम उसको एक सिंगल स्केल को यानी हार्वेस्ट करके उसको लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फार्मर्स को इस बात का नहीं पता होता, जिसकी वजह से ये होता है कि वो हर साल नए बल्ब परचेज करते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं रहता। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारे ये जो इम्पोर्टेंट कट फ्लावर्स हैं जिसमें लिलियम शामिल है, ग्लैड है, ट्यूलिप है, हम इंशाल्लाह इन्हें भी मैस स्केल पर इंट्रोड्यूस करवाएँ।